आयुषी आपके साथ समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज जो इस समय भारत का एक अहम मुद्दा बना हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ये पूरा मुद्दा जो है संसद में उठेगा क्योंकि जिस तरीके से पिटीशन दायर की गई और मांग की गई मान्यता प्राप्त होनी चाहिए विवाह को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर, तो ये अब पूरा मामला संसद में पहुंच गया है। और साथ ही साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स बैठे हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर और जानेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है उस पर उनकी राय क्या है। तो सबसे पहले मैं तुषार आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को सौंप दिया गया है संसद में और साथ ही साथ इसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी कि आखिर जो प्रोज एंड कॉन्स है इसके वो है क्या। थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन आयुषी। सो इस जजमेंट के अराउंड मेरे ओपिनियन में काफी कंफ्यूजन है, लोग ओपिनियन पहले बना रहे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द मेजर टेकअवेज ऑफ द जजमेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले जो मेजर टेकअवेज हैं, जो मेजर हाईलाइट्स हैं इस जजमेंट की, उनको समझें बिफोर वी कैन मेक एन ओपिनियन ऑन द जजमेंट। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द फर्स्ट मेजर की टेकअवे ऑफ दिस जजमेंट विच इज़ दैट कोर्ट ने बोला है कि देर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। अब नो फंडामेंटल राइट टू मैरी तो सब पे अप्लाई करता है, नॉट ओनली समलैंगिक कपल्स पे। सो इट इज़ अ जनरल observation that there exists no fundamental right to marry. Second most important takeaway from this judgment is that court ne ye bola hai ki special marriage act ko tweak nahi kiya ja sakta, jo ki petitioners ki demand thi. Wo kyun nahi kiya ja sakta? Kyunki jo petitioners ne manga tha ki man and woman jo shabd hai usko replace karke spouse shabd ka prayog kiya jaye. Ab अगर ऐसा किया जाएगा तो इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जुडिशियल लॉ मेकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा विच इज़ नॉट गुड इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे इज दैट सिविल यूनियन एक्सटेंड करने की बात की गई है इस जजमेंट में, जिससे एक बुके ऑफ राइट्स प्रोवाइड किया जाएगा सेम सेक्स कपल्स को। सेंटर ने एक हाई लेवल कमिटी बनाने की जो प्रपोजल दिया था उस बात को भी बढ़ावा दिया गया है। ये कमिटी डिसाइड करेगी कि क्या बुके ऑफ राइट्स दिए जा सकते हैं ऐसे कपल्स को। बुके ऑफ राइट्स कैन रेंज फ्रॉम ओपनिंग ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट्स, बेनिफिशरीज फॉर द प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल डिसीजंस अपने पार्टनर्स के लिए लिए जाना, ये सब बुके ऑफ राइट्स में कवर किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मुद्दा संसद में सौंप दिया है, इस पर आप क्या कहोगे? ये बिल्कुल ठीक स्टेप है बिकॉज law making is the prerogative of the parliament and not of the judiciary. So parliament ka kaam hai kanoon banana and judiciary ka kaam nahi hai ye. To ye ek bilkul theek approach hai, ek bilkul welcome step hai ye. वर्णिका आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब ये पूरा मामला संसद में पहुंचने की पर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया, आपको क्या लगता है कि संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, नीतिगत कानून बनना चाहिए? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी की राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोबडी डिनाइड दैट। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी सेंटर की तरफ से लॉयर्स ने क्लियरली ये बात कही है कि हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें ये बहुत क्लियर होगा कि क्या क्या राइट्स दिए जाएं और किस तरह से वो राइट्स लाए जाएं। कोई भी लॉ जब आता है पिक्चर में तो वो रातों रात नहीं आ सकता। जितना आसान हमें लगता है टीवी पे या न्यूज़ पढ़ के कि इसको इस तरह से बदल क्यों नहीं देते या कोर्ट इस तरह इंटरप्रिटेट क्यों नहीं कर देता या मैन स्लैश वुमेन क्यों नहीं कर देते, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि लूप होल्स के बिना एक्ट को लाना पड़ता है। और रातों रात या हड़बड़ी में कोई भी चीज़ लाई होती है तो उसमें बहुत इशूज़ बाद में आएंगे। अगर आसानी से कोर्ट कह दे हाँ ये अलाउड है तो वो बाद में जब केसेस होंगे या बाद में कोई और चीज़ें आएंगी तो वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इट्स बेटर दैट द संसद लेजिस्लेचर हैज़ प्रॉपर डिस्कशन ओवर दिस इशू एंड देन द कमिटी, वी नीड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उस कमिटी में, माइनॉरिटी की तरफ से उसमें लोग होने चाहिए जो प्रॉपरली, जो आई एम श्योर सेंटर गवर्नमेंट करेगी, और उसमें एग्जैक्टली डिस्कशन होना चाहिए कि कौन कौन सी बुके ऑफ राइट्स आर अवेलेबल, किसको देना है और किसको किस तरह से देना है। माइनॉरिटी डिजर्व्स द राइट, नोबडी सेट अगेंस्ट इट। इवन सीजीआई चीफ जस्टिस ने भी ये बात बहुत क्लियरली कही है
कि जो राइट्स एक सेम सेक्स कपल को भी वही राइट्स मिलेंगे जो कि मिलने चाहिए, जो कि दूसरे कपल्स को मिलते हैं. एंड नोबडी इज टर्निंग देयर फेस अगेंस्ट इट. वी एग्री टू दैट, बट येस देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट नीड्स टू टेकन इन टू कंसिडरेशन. वी कैन नॉट डिनाई दैट. तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है, और संसद में हर बात पे डिस्कशन होगा, क्योंकि सिर्फ एक एक्ट नहीं लाना या एक बात नहीं लानी, इस सब के साथ बहुत सारी छोटी बड़ी बातें जुड़ी हैं. अडॉप्शन भी जुड़ा है, बच्चों की लाइफ जुड़ी हैं, इवन माइनॉरिटीज़ की लाइफ जुड़ी है, उनके राइट्स जुड़े हैं. हम एक वर्ड चेंज करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको सारे राइट्स मिल जाएंगे. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट प्रॉपर डिस्कशन इज मेड इन द पार्लियामेंट एंड एवरी एस्पेक्ट is discussed and then a proper law is taken into consideration and comes into enforcement. Thank you. जुनैद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो अभी ये संसद में मामला पहुँच रहा है, तो जब फैसला सुनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अब ये संसद को पता लगाना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव लाना चाहिए. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन आयुषी. मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर चेंजेस लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी गहराइयाँ हैं कि आपको संसद में डिस्कशन होना ही चाहिए. अगर बगैर आप किसी डिस्कशन के कोई भी कानून पास कर देंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर काफ़ी क्राइम रेट भी बढ़ सकता है. बिकॉज ये कानून जो है सेम सेक्स मैरिज, जो आज का मुद्दा बन चुका है सबके लिए, लोगों को इसकी टेक्निकल इश्यूज नहीं पता कि इसमें आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि हमें नहीं पता. सबसे पहले हम लोगों को रिकग्नाइज किस तरह से करेंगे कम्युनिटी को. आज एक मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर्स ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लेस्बियंस हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, गे हो गए, क्वेयर हो गए, लोगों को पता ही नहीं है. जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, तो हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक टाइम चाहिए. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और लोगों को अवेयरनेस होना ज़रूरी है. आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं, लेकिन जब सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में इतना हम डिटेल में जाएंगे, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और कोई भी कानून इतनी आसानी से नहीं बनता. कोई भी कानून बनने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए होती है, स्कॉलर्स चाहिए होते हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा है, एक देश का मुद्दा. 140 करोड़ की आबादी में रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं है. तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में उत्साह भी है और काफ़ी लोगों में निराशा भी है कि ये इस तरह का जजमेंट कैसे पास कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था. आप जैसे कि वर्णिका जी ने कहा कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर बहुत नाराज़ हैं इस वजह से कि ये फैसला आपने कैसे दे दिया, हम क्यों रिफ्यूज़ कर दिया सेम सेक्स मैरिज. मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप शादी करें नहीं करें. यहाँ पे लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जो कि उसको भी एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा भी जाता है और नहीं भी देखा जाता है. ये आपकी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है. तो मेजर ये है कि एक इस चीज़ को मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो मेरा सिर्फ यही एक ओपिनियन है. तुषार, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी. अगर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फैसला सुनाता, जिस तरीके से पिटीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, हालांकि हम सब जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू लॉ, तो वो हमारा पार्लियामेंट में ही जाता है, वहां से ही बहस होती है और पारित होता है वो कोई भी कानून. लेकिन अगर इसमें डायरेक्ट अगर सुनाता फैसला सुप्रीम कोर्ट, तो कितना सही रहता है? ऐसे लॉज, ऐसे प्रोविजंस जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटिंग हो फॉर द सेम सेक्स कपल्स, उनको हटाना सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल एम्बिट का पार्ट है. एंड इट इज़ वेरी, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन दैट विद द कारा. बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ न्यू लॉ, दे हैव राइटली सेड, बहुत एक अच्छी और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट का फीचर है वो, और वो पार्लियामेंट तक रहना चाहिए. एंड पार्लियामेंट में जाके प्रॉपर डिबेट के मेथड के थ्रू, प्रॉपर डिस्कशंस के थ्रू, यू नो, एंड बाय वे ऑफ दीज हाई लेवल कमिटीज, इट शुड बी डन थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस, द प्रॉपर रूट. वर्णिका, आपसे मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अगर डायरेक्ट हस्तक्षेप होता इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का,
तो क्या ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है? और अगर जिस तरीके से पिटिशन डायरेक्ट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना था कि जो मांगकर्ता हैं उनका डायरेक्ट कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ही हमें मान्यता प्राप्त कराए। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट की बात ऑफ कोर्स एक होता है कि लॉ बनाने का हक किसके पास है। लॉ बनाने की राइट लेजिस्लेचर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, और किसी के पास भी राइट है अगर उनको लगता है कि उनकी कोई भी राइट या कुछ भी ऐसा ह्यूमन राइट्स है उनकी जो इन्फ्रिंज हो रही है, तो उनके पास ये हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चेक एंड बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है जब तीनों पार्ट्स हमारे आते हैं, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। सेंटर आगे इसमें स्टेप लेगा और उसमें फिर ऑफ कोर्स जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रॉपर रिसर्च होंगी, प्रॉपर डायरेक्शंस आएंगे, प्रॉपर टीम बैठेगी, प्रॉपर कमिटी सेट होगी, एंड उसके बाद एक एक्ट होपफुली पास होगा। जनाब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पावर ऑफ सेपरेशन की जहाँ हम बात देखते हैं, तो अगर इस पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता तो कितना इफेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है, वो बिल्कुल ठीक फैसला है। उन्होंने कहा कि हमारे डोमेन में नहीं आता, ये पार्लियामेंट के डोमेन में आता है फैसला करना। हम जो हमें बेहतर लगा, जो लॉ कहता है, सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जो बेंच बैठी थी, उस बेंच ने अपने अकॉर्डिंगली जितने फैसले सुनाए वो बिल्कुल टू द पॉइंट, ना तो किसी के हक में है ना किसी के अगेंस्ट में है। तो उन्होंने सीधी सीधी बात पार्लियामेंट को दे दी है, लेजिस्लेचर को दे दी है कि आप डिसाइड करें, आप सेशन बिठाएं, आप लोगों को बिठाएं, आप कानून बनाएं। जब आप कानून बनाएंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हो सकता है, वो भी तब जब लोग अगर उसको उस नज़रिए से देखेंगे, उनको वो राइट्स नहीं मिले जो वो चाहते हैं जिस तरह के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तभी बन सकता है जब ये कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। जुनैद, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक लॉयर के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं कि इस लॉ को बनना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल किया है आपने मुझसे, क्योंकि इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। जैसे मैंने आपसे कहा था, 140 करोड़ की आबादी है, लोगों को रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल है, तो इसके ऊपर मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। देखो, जब भी कोई कानून पास होता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ चीज़ें फेवर में होती हैं, कुछ चीज़ें फेवर में नहीं होती हैं, तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखना पड़ता है। तो इसके ऊपर, इस पर जवाब देना कि मैं इसके ऊपर सहमत हूँ कि ये कानून पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए, पहले पैनल डिस्कशन होना चाहिए और डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, और उस पर टाइम लेना चाहिए। बिकॉज जब तक हम टाइम नहीं लेंगे और रिसर्च नहीं करेंगे, सब स्कॉलर्स को बिठाएंगे नहीं एक साथ, और तब तक ये बात सामने नहीं आएगी, तो उसी के बाद ही पता लग सकता है कि ये जो कानून अगर बनता है कल, तो ये इसके कम्युनिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, तो उसी के बाद ही पता लगेगा। अभी इसके ऊपर ये कहना कि ये अगर कानून बन जाता है तो ये अच्छी बात होगी एक हमारे जनता के लिए, या नहीं होगी। बट आपको लगता नहीं है कि एक हद तक हम यहाँ देखें, अगर नॉर्मल एक फीमेल और मेल की शादी होती है तो उस पर भी बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं जिस पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सेप्टेंस बहुत ईजली नहीं मिल पाई है। ऐसे में जो बातें निकल कर आ रही है कि अब ये लॉ बन जाना चाहिए, इन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मान्यता तो ऑलरेडी है ही, अगर कोई एक सेम सेक्स रिलेशनशिप में है तो वो इलीगल तो है नहीं, पहली बात। जहाँ तक कि मैरिज का सवाल है, तो मैरिज के साथ बहुत सारे बुके ऑफ राइट्स आते हैं, वो भी एक सिविल यूनियन में दिए जाने की बात की जा रही है। हाई लेवल कमेटी बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एज फार एज द स्ट्रिक्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ मैरिज इज कंसर्न्ड, अगेन यू नो दैट इज़ वेरी डिबेटेबल, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री। इट हैज़ आई मीन एवरी 100 kilometers, यू नो द डेमोग्राफिक्स ऑफ पीपल, द इंटायर पॉपुलेशन, देयर बिहेवियर, देयर लाइक्स डिसलाइक्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी इंक्लिनेशंस चेंज हो जाती हैं। तो इस बारे में मेरा कुछ भी बोलना, आई मीन आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज इट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू अ वेरी बिग डिबेट इन पार्लियामेंट, एंड पूरे 140 करोड़ लोगों के, देशवासियों के हित में यू नो जो है चर्चा होनी चाहिए। एंड एज फार एज रिकग्नाइजिंग सेम सेक्स कपल इज कंसर्न, दे आर ऑलरेडी रिकग्नाइज, देर इज नोबडी सेइंग दैट यू नो इट्स इलीगल टू बी इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। एंड वंस अ सिविल यूनियन इज एक्सटेंडेड, देन द एंटायर बुके ऑफ राइट्स ऑल्सो फ्लोज अलॉन्ग विद इट।
सो आई थिंक यू नो देर विल बी सम पॉजिटिव स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन एज द हाई लेवल कमिटी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड द मेन टास्क ऑफ द हाई लेवल कमिटी इज टू लुक इन टू द आइडिया ऑफ द सिविल यूनियन एंड द राइट्स दैट इट कैरीज लाइक ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट medical decisions, inheritance, all these things will be looked into and I think that is going to be a very positive step for the same-sex couples. Varnika, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक lawyer होने के नाते आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बात हुई कि committee बनाई जाएगी, चर्चा होगी, committee को किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जैसे चीफ जस्टिस ने कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमें दिए हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली कुछ बातों को कहा है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने चाहिए और कमिटी को भी उन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं और एट द सेम टाइम हमारे लिए कॉमन लोगों के लिए भी कुछ पॉइंटर्स हैं कुछ पॉइंटर्स पुलिस को भी दिए हैं कि कैसे एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए माइनॉरिटी में सही गलत का फैसला करना मेजॉरिटी का काम नहीं है और इस बात का कोर्ट ने काफ़ी खासा ध्यान रखा है ये 2:3 का जजमेंट है लेकिन अगर आप सबके जजमेंट्स पढ़ें तो किसी ने भी ये बात इनकार नहीं करी है कि LGBTQ या इन लोग की राइट्स नहीं है एवरीबडी एग्रीज टू दैट दे आर ह्यूमंस इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन राइट्स दे हैव दोज राइट्स तो उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है और बाकी एक नॉर्मल प्रोसेस होगा और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जैसे कि आप कह रही हैं जो पॉइंटर्स हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो एज तुषार ने कहा कि बुके ऑफ राइट्स जो मैरिज में मिलते हैं अब उनमें से किस हिसाब से हमें वो बुके ऑफ राइट्स सेम सेक्स कपल्स को प्रोवाइड करने हैं और किस तरह से और उसके लिए हमें एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना है सिर्फ लॉ बना देना जैसे कि लिव इन एक लॉ है इट्स लीगल इंडिया में लिव इन लीगल है लेकिन उसके अगेंस्ट कितनी सारी चीज़ें होती रहती हैं आज भी पीपल आर नॉट रेडिली एक्सेप्टिंग इट आज भी प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे तो हम सबको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि लॉ बना देना काफ़ी नहीं है या सिर्फ बात बोल देना काफ़ी नहीं है वी हैव टू टेक एन स्टेप द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एन स्टेप द पुलिस अथॉरिटीज हैव टू टेक प्रॉपर कॉशन स्टेप्स टू मेक श्योर कि क्या ये लॉज एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो पा रहे हैं कि नहीं तो उन पॉइंटर्स पर डिस्कशन ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन ज़रूरी है तुषार मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये एक लोकतांत्रिक फैसला रहा बिल्कुल बिल्कुल लोकतांत्रिक रहा उसका मेजर रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स के बियॉन्ड एक्ट नहीं किया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत जो पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने की उस बात को बताया उस बात को बल दिया एट द सेम टाइम जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस उनको लगे उनको उन्होंने हटाया सिविल यूनियंस की चर्चा की गई बुके ऑफ राइट्स की बात की गई फंडामेंटल राइट टू मैरी जैसी चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है उस बारे में बात करी गई तो बहुत ही लोकतांत्रिक फैसला है बिल्कुल ही डेमोक्रेसी के दायरे में दिया गया फैसला है और सेपरेशन ऑफ पावर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए ये फैसला दिया गया है। तो समलैंगिक यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर हमने डिस्कशन किया और हमने जाना कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब सारा मुद्दा जो है संसद को सौंप दिया है ये काफी एक सुप्रीम फैसले के तौर पर सामने आया है क्योंकि अब जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट में ही होना है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी लेकिन हमने जाना इस पूरे डिस्कशन के दौरान कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते थे और अब आगे इसमें किस तरीके से बात की जाए और किस तरीके से चर्चा की जाए वो संसद देखने वाली बात होगी।